अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो आज ही रुकिए, क्योंकि बहुत हाई परसेंटेज ऑफ लोग जो रेगुलरली मास्टरबेट करते हैं वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम से साथ में सफ़र करते हैं। इसका रीज़न इसलिए है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बीमारी नहीं है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक हैबिट है। अगर बचपन से गलत मास्टरबेशन टेक्निक से आपने अपने इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स या डिस्चार्ज की मैकेनिज्म को गलत ट्रेन किया है, जहाँ आपको हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है या कंट्रोल लैकिंग है, जहाँ आप अपने इजैकुलेशन को नहीं रोक पा रहे, तो ये ठीक उसी तरह है कि जिसने गाड़ी सीखी है मैनुअल ट्रांसमिशन पे और आज ऑटोमेटिक हैंडल नहीं हो पाती, या ऑटोमेटिक सीखी है तो मैनुअल ट्रांसमिशन पे नहीं मूव कर पाते। कोई भी हैबिट है अगर उसको चेंज करना है तो सबसे पहले पुरानी गलत तरीकों को बंद करना पड़ेगा, पुरानी हैबिट्स को अनलर्न करना पड़ेगा, तभी आप अपने इजैकुलेटरी कंट्रोल को रीलर्न कर सकते हैं।